अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय चैनल सालिहा डिज़ाइनर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम अपने व्यूवर्स को शर्ट की स्टिचिंग बहुत इजी तरीके से सिखाएंगे ताकि हर नए सीखने वाले आसानी से समझ सकें। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। ये देखें व्यूवर्स, ये हमने बॉर्डर उतारा है साइड से, जो हम यहाँ दामन में एडजस्ट करेंगे। इस एम्ब्रॉयडरी के साथ ये मैच करते हुए हमने पाइपिंग करनी है। ये ढाई इंच चौड़ी हमने पट्टी की कटिंग की है और बाजू की कटिंग इंशाल्लाह हम आपके सामने करेंगे। इस पर हमने डिज़ाइनिंग करनी है। ये फ्रंट और बैक के पार्ट की कटिंग करते हुए इसको हमने अलग कर लिया है। शर्ट की कटिंग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप हमारी वीडियोज़ में देख सकते हैं कि शर्ट की कटिंग किस तरह की जाती है। अब मैं आपको इसका साइज़ बता देती हूँ। ये शर्ट हमने 42.5 इंच पर तैयार करनी है। सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इंची टेप को इस तरह रखेंगे और ये देखें, ये 42.5 इंच पर तैयार करनी है। आधा इंच हमने मार्जिन छोड़ा है पाइपिंग के लिए। ये तीरे का साइज़ हमने 14 इंच तैयार करना है। ये शर्ट हमारी फोल्डिंग में है तो ये देखें, ये मैंने 7 इंच पर निशान लगाया है जहाँ हमारी सिलाई आएगी, और आधा इंच सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने 7.5 इंच पर इसकी कटिंग कर ली है। ये देखें, इसके बाद अब हमने आर्म होल का निशान लगाना है। अगर आप स्लिम स्मार्ट हैं, जो आपके तीरे का साइज़ होगा वही साइज़ आप आर्म होल के लिए रखेंगे। अगर आप नॉर्मल जैसा मत रखते हैं तो आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा। ये देखें, यहाँ से हमने 0.25 इंच पर तिरछी कटिंग की है शोल्डर की। अब इंची टेप को हम इस तरह रखेंगे और ये देखें, ये 8.5 इंच पर निशान लगाते हुए हमने ये आर्म होल की कटिंग कर ली है। अगर आप हैवी जैसा मत रखते हैं तो इसके लिए आपको 9.25 इंच पर कटिंग करना होगी। इसके बाद अब हम चेस्ट का साइज़ करेंगे। चेस्ट हमने तैयार 21 इंच रखनी है। इस तरह निशान लगाते हुए यहाँ हम कट लगा देंगे। अब हमने कमर का साइज़ करना है। इंची टेप को इस तरह रखेंगे। ये देखें, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए, अगर आप स्लिम स्मार्ट हैं तो आपको 6.25 इंच पर ये फिटिंग का निशान देना होगा। अगर आप नॉर्मल जैसा मत रखते हैं तो आपको 6.5 इंच पर ये निशान लगाना होगा। अगर आप हैवी जैसा मत रखते हैं तो आपको 7 इंच पर ये निशान लगाना होगा। ये शर्ट मैं नॉर्मल जैसा मत के लिए बना रही हूँ। तो इंची टेप को ये देखें, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह रखते हुए 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे जहाँ हमने फिटिंग की गुलाई देनी होती है। फिटिंग का साइज़ हमने 18 इंच रखना है। तो ये शर्ट हमारी फोल्डिंग में है, हम इंची टेप को इस तरह रखते हुए 9 इंच पर निशान लगाएंगे। इसके बाद अब हमने साइज़ वाली शर्ट को लेना है और इंची टेप को इस तरह रखते हुए कि ये हमारे चाक कहाँ तक बंद हो रही हैं, ये देखें, ये 14.25 इंच पर बंद हो रही हैं, तो इसका निशान हम इस तरह लगाएंगे। यहाँ पर सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हमने 14.25 इंच पर निशान लगा लेना है। हिप्स का साइज़ हमने 23 इंच रखना है। तो इंची टेप को इस तरह रखते हुए हम 11.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हम फ्रंट के पार्ट को अलग करते हुए इसके आर्म होल की कटिंग करेंगे। फ्रंट के आर्म होल के लिए 1 इंच की दूरी पर इस तरह हम निशान लगाएंगे। ये एक तरफ से हमने सिलाई के लिए निशान लगा लिए हैं। अब हम इसकी दूसरी साइड से निशान लगाएंगे और यहाँ से इंची टेप को रखते हुए ये देखिए, सिलाई का मार्जिन छोड़ा है मैंने, 14.25 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमने चेस्ट का साइज़ 21 इंच रखना है। इंची टेप को इधर सेंटर में रखते हुए ये देखिए, 10.5 पे निशान आ रहा है। 21 इंच पर हम निशान लगाएंगे और यहाँ हमने फिटिंग के निशान के लिए 9 इंच पर इंची टेप को रखते हुए फिटिंग का निशान लगाएंगे और ऐसे ही सेंटर में इंची टेप को रखते हुए 11.5 इंच पर हमने इंची टेप रखी है। 23 इंच पर हमने ये निशान लगाना है। ये इस तरह से अब आपने सिलाई के लिए निशान लगा लेना है। ऐसे ही दूसरी साइड से भी। ये
ये निशान लगाने के बाद अब मैं आपको एक मेन पॉइंट बताती हूँ जिससे फिटिंग बहुत अच्छी आती है। ये देखें, ये हमने बैक का पार्ट लिया, बैक पर हम प्लेट्स लगाएंगे। उसके लिए हम इंची टेप को इस तरह गैप से रखेंगे। ये देखें, सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए ये 10.5 इंच पर हमने निशान लगाना है। और अब इस निशान से 7.5 इंच की दूरी पर एक और निशान लगाना है। ये अब हम इंची टेप को इस तरह रखेंगे और 3.5 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। ऐसे ही अब हम इसकी बैक पर भी निशान लगा लेंगे। और इसको आयरन की मदद से निशान लगा लेंगे। ये देखें, ये आयरन की मदद से हमने निशान लगा लिया है। इन निशानों के ऊपर अब हम सिलाई लगाएंगे। ये बाजू की चौड़ाई हमारी कम हो रही है तो इसको पूरा करने के लिए यहाँ हम जोड़ लगाएंगे। ये जोड़ हमारे बैक साइड पर आ जाएंगे। इसको इस तरह रखते हुए ये दोनों बाजू को हमने फोल्ड किया हुआ है। ये देखें, इसकी चौड़ाई हमने 9 इंच रखी है और इसकी लंबाई हमने 21.5 इंच तैयार करनी है। तो डिज़ाइनिंग के लिए कुछ कपड़ा हमने एक्स्ट्रा लिया है। 23 इंच पर हमने इसको कटिंग किया है। ये देखें, इंची टेप को इस तरह रखते हुए 3.5 इंच पर हम निशान लगाएंगे। इसके सेंटर में कट का निशान लगा लेंगे। ये बाजू हमने बेल शेप में रखने हैं, इस वजह से इधर से हल्की सी गुलाई करेंगे। अब हम ये बैक के पार्ट को इस तरह अलग कर लेंगे। ये देखें, ये हमारे फ्रंट के दोनों पार्ट हैं। ये 1.5 इंच की दूरी पर हम कटिंग शुरू करेंगे। अब हम बाजू पर इस तरह निशान लगाएंगे और कट कर लेंगे। इसके बाद अब हम गले की कटिंग करेंगे। ये हम चिप्स को इस तरह फोल्ड करेंगे। गले की चौड़ाई हम 6.5 इंच पर रखेंगे। ये चिप्स हमारी फोल्डिंग में है तो हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे। और गहराई के लिए भी हम 6.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब ये देखें, इस तरह हमने गुलाई करनी है। एक इंच की दूरी पर हम फिर कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ये साइज बिल्कुल परफेक्ट होता है। अब हम गले को कपड़े पर चिपका लेंगे। इसके लिए हमने गले का अंदर वाला हिस्सा रखना है। ये देखें, इसका सेंटर करते हुए आयरन की मदद से इसको चिपका लेना है। इससे हमारा गला टेढ़ा नहीं होता। और इसका भी इस तरह नेल के साथ सेंटर करना है। और इस तरह चिपका लेना है। अब हम इसको इस तरह निकाल लेंगे और यहाँ से कटिंग कर लेंगे 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। इसके बाद अब हमने इन दोनों को आपस में टच करते हुए इसका सेंटर करना है। ये देखें, इस तरह ये दोनों बुकरम के हिस्सों को आपस में टच करना है और इस्त्री की मदद से सेंटर का निशान लगाना है। ये देखें, अब हम स्टिचिंग की तरफ चलते हैं।
इस कपड़े को इस तरह फोल्ड करते हुए यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। ये हमने आयरन की मदद से शर्ट का सेंटर कर लिया है। इन दोनों सेंटर को आपस में मिलाते हुए ये देखिए हम कट का निशान लगा लेते हैं। ये इस तरह दोनों सेंटर को आपस में मिलाते हुए पिन अप कर लेंगे ताकि गला लगाते हुए टेढ़ा ना हो जाए। ये देखें, आप चाहें तो यहाँ सिलाई भी लगा सकते हैं। ये मैंने इसे पिन अप कर लिया है, अब हम सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई चिप्स के ऊपर नहीं होनी चाहिए, किनारे पर लगानी है। अब हम हल्का सा मार्जिन रखते हुए कट कर लेंगे। और इस तरह कट लगा लेंगे। इस तरह कट लगाने से गले में किसी किस्म का कोई झोल नहीं आता। गले को हमने पलट लिया है, अब हम बैक के गले की कटिंग करेंगे। अब हम बैक पर फ्रंट को रखते हुए यहाँ से इन दोनों को आपस में मिलाएंगे और यहाँ से सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए हम बैक के गले का निशान लगा लेंगे। ये देखें, गहराई के लिए हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। बैक का गला तैयार करने के लिए उरेम में हम पट्टी की कटिंग करेंगे 1.25 इंच की दूरी पर। दोबारा से हम कटिंग करेंगे। ये देखें, इनको हमने आपस में इस तरह ज्वाइंट कर लेना है। ये इस तरह बिल्कुल सीधी पट्टी तैयार हो जाएगी हमारी। ये देखें, अब ये शर्ट की भी सीधी साइड है और इस पट्टी की भी सीधी साइड है। इसको इस तरह रखते हुए हम सिलाई लगाएंगे। दोनों कपड़ों में से किसी को नहीं खींचना, आपने हल्के हाथों से सिलाई लगानी है। अब हम यहाँ कट लगा लेंगे और इस पट्टी पर भी कट लगाएंगे। और इस कपड़े को इस तरफ बाहर की तरफ दबाते हुए यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे। ये सिलाई हमारी पहली वाली सिलाई के ऊपर लगानी है। अब हमने बैक के पार्ट को नीचे रखते हुए और इन दोनों शोल्डर्स को आपस में टच करते हुए यहाँ हमने सिलाई लगानी है। ये दोनों गलों को आपस में ज्वाइंट कर लिया है। अब हम ये देखें, इसको इस तरह मोड़ेंगे और फोल्ड करते हुए इसकी तुरपाई कर लेंगे यहाँ से।
आप चाहें तो ये तुरपाई कमीज तैयार करके भी कर सकते हैं। ये तुरपाई करते हुए इस चीज़ का ध्यान रहना चाहिए, टांके का गैप बराबर होना चाहिए। ये फ्रंट और बैक दोनों गलों की हमने तुरपाई कर ली है। इसके बाद अब हम ये बैक की प्लेट्स लगाएंगे। ये देखें इस तरह पकड़ते हुए, ये ऊपर से इतनी गुलाई नहीं करनी चाहिए। ये आप देखें ध्यान से, यहाँ हमने हल्की सी गुलाई दी है। इसको पक्का कर लेंगे। अब हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। ये सिलाई पूरे ध्यान से लगानी होती है कि ना तो इधर जानी चाहिए और ना ही ज़्यादा इस तरफ जानी चाहिए। ये एक साइड से सिलाई लगा ली है। अब हम इंची टेप को इस तरह रखते हुए साइज करेंगे और दूसरे हिस्से की सिलाई लगाएंगे। ये देखें 21 इंच हमने चेस्ट का साइज रखना था। कमर का साइज फिर से लेना होगा 18 इंच पर। अब हमने फ्रंट और बैक पर ये बॉर्डर लगाने हैं। बॉर्डर लगाने के बाद अब हमने पाइपिंग करनी है। पाइपिंग के लिए हमने इस्त्री की मदद से निशान लगाना है। ये देखें यहाँ जहाँ हमारी सिलाई ख़त्म हो रही है, इसको इस तरह मोड़ेंगे और नीचे से दामन को भी इस तरह मोड़ते हुए इस्त्री से हम निशान लगा लेंगे। इससे हमारा घेर बड़ा छोटा नहीं होता और इस निशान के ऊपर ही हम पाइपिंग करेंगे। दूसरी साइड पर भी हम ऐसे ही निशान लगा लेंगे इस्त्री की मदद से। ये हल्का सा बड़ा हुआ है, हम इसकी इस तरह कटिंग कर लेंगे। ये पाइपिंग करने के लिए हम 1 साइड फुट लगाएंगे। ये शर्ट की बैक साइड है, ये देखें ये फ्रंट को ऊपर रखते हुए, और ये पाइपिंग पट्टी की सीधी साइड है। इस डोरी को हम इस तरह अंदर रखेंगे और इस तरह रखते हुए यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ये हमने दोनों कपड़ों को नहीं खींचना, हल्के हाथों से हमने इसको ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है। हमारी सिलाई डोरी के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये सुई को अंदर ठहराते हुए अब हमने इसको मोड़ना है। ये देखें व्यूअर्स, ये हमने पाइपिंग कर ली है और इस पट्टी को पलटते हुए इस्त्री के साथ हमने इसे फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ से सिलाई शुरू करेंगे। ये देखें ये बॉर्डर पर हमने तुरपाई करनी है।
सुई को अंदर ठहराते हुए इस तरफ मोड़ेंगे। ऐसे ही हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे। ये हमने बहुत ही फिनिशिंग के साथ पाइपिंग लगा ली है, ये आप देख सकते हैं, और यहाँ हमने तुरपाई की है। इसके बाद अब हम बाजू की डिज़ाइनिंग करेंगे। ये देखिए, यहाँ से इंची टेप को 15 इंच की दूरी पर रखते हुए हम एक निशान लगाएंगे और कट कर लेंगे। ये बॉर्डर में से हमने स्ट्रिप निकाली है, 1.5 इंच की चौड़ाई है इसकी। इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे और 1/2 इंच के मार्जिन पर हम सिलाई लगाएंगे। और ये बड़े साइज की निडल ली है, इसमें 4 लेयर धागे की हैं। अब हम इसको इस तरह करेंगे, ये देखें, इस तरह बाहर निकालते हुए नीडल को, और इन चारों धागों के सेंटर में से निकालेंगे। ये देखें यहाँ तक। उसके बाद हम नीडल को अंदर की तरफ करेंगे और एंड से निकाल लेंगे। अब हम नीडल को यहाँ फंसाएंगे और ये डोरी निकालेंगे। ये देखें, ये इस तरह निकालते जाएंगे, ये बहुत ही आसानी से ये पट्टी निकल जाएगी। ये देखें, ये हमने पट्टी निकाल ली है बड़ी आसानी से। ये जो सिलाई का निशान नज़र आ रहा है, इसको हम इस तरह सेंटर में रखेंगे और इस्त्री के साथ प्रेस कर लेंगे। ये हमने 2 इंच की पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं और चार्ट पर भी ये निशान लगाया है। ये देखें, ये 1 इंच की दूरी पर हमने निशान लगाया है दोनों तरफ। अब हम इसको रखते हुए इस तरह सिलाई करेंगे। ये 1/2 इंच की दूरी पर हम दूसरी पट्टी रखेंगे। ये दोनों बाजुओं की डिज़ाइनिंग कंप्लीट करते हुए जहाँ हमने डिज़ाइनिंग करनी है, इस हिस्से को हमने इस्त्री की मदद से फोल्ड कर लिया है। ये देखें इस तरह। अब हम इस चार्ट को इस तरह रखेंगे, जहाँ हमने ये निशान लगाया हुआ है यहाँ हमने सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह। अब सिलाई को इस तरफ मोड़ते हुए यहाँ हमने डबल सिलाई लगानी है। अब ऐसे ही इसके दूसरे हिस्से को इस तरफ रखते हुए यहाँ हम सिलाई लगाएंगे। ये देखें, डिज़ाइनिंग के बाद हमारा बाजू 21.5 ही तैयार होगा। अब हम बाजू को यहाँ से स्टिच करते हुए शर्ट के साथ अटैच करेंगे। ये देखें, सिलाई को इधर रोकते हुए अब हम बाजू का साइज़ करेंगे। ये बाजू का भी ये फ्रंट है, ये देखें, और ये कमीज़ का भी फ्रंट को इस तरह करते हुए यहाँ से हम रखेंगे ढीले हाथों से। ये देखें, यहाँ हमारी सिलाई ख़त्म होनी चाहिए। अब हम इसका सेंटर लेंगे शोल्डर का, और जहाँ हमने कट लगाया था इसके सेंटर को आपस में
टच करते हुए राउंड में सिलाई लगाएंगे। ये बाजू को ऊपर रखते हुए सिलाई लगानी है। बाजू की एंड वाली सिलाई के हिस्से को इस तरह मोड़ते हुए और कमीज के हिस्से को भी ये देखें इस तरह मोड़ते हुए रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। ऐसे ही अब हम दूसरे बाजू को अटैच करेंगे। ये हमने दोनों बाजुओं को शर्ट के साथ अटैच कर लिया है। इसके बाद अब हम ये चार्ट उतार देंगे। ये देखें फ्रेंड्स, हमने शर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट कर ली है। ये देखें, और हमने बहुत ही प्यारे बाजू बनाए हैं। ये देखें, ये बहुत ही खूबसूरत बाजू लगते हैं। आप ऐसे बाजू ज़रूर बनाएं। आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, फ्रेंड्स को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।